Hello students, welcome to ABC classes online again. We are wandering or traveling in the world of sale. हम लोग सेल की दुनिया में अभी विचरण कर रहे हैं, सेल की दुनिया में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. और इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द वेरियस फैक्टर्स, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल, वेरियस डिस्कवरीज अबाउट द सेल एंड द सेलुलर टोटिपोटेंसी एंड व्हाट आर द डिफरेंट साइजेस ऑफ द सेल वी ऑलरेडी लर्न अबाउट. ओके, नाउ वी वांट टू नो और नाउ वी हैव टू नो दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टोटिपोटेंसी. Why totipotency is very essential or very very beneficial for our human being or for our the business purpose. ठीक है, तो totipotency क्यों ज़रूरत होती है. totipotency के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए आज मैं आपको कुछ और डिफरेंट बातें सेल्स के बारे में बताऊंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और जो एग्ज़ाम में पूछता है. तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर निकल कर भी चर्चा करेंगे कि सेल के बारे में बहुत सी ऐसी बातों को जानेंगे जो एनसीईआरटी में भी पूरी तरीके से मेंशन नहीं है और जो नीट में आप लोगों को पूछा जाता है. तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टोटिपोटेंसी. टोटिपोटेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इट इज़ द फेनोमेनन और इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट और इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट बाई विच स्मॉल सेक्शन ऑफ द प्लांट कैन बी ऑरिजिनेट और जर्मिनेट इन टू द होल प्लांट. ओके, तो टोटिपोटेंसी में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट के सेगमेंट से होल प्लांट को हम लोग जन्म दे सकते हैं. तो टोटिपोटेंसी में सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि इसमें प्लांट के किस पार्ट का यूज़ करते हैं और टोटिपोटेंसी का यूज़ किस तरीके से होता है. तो दो तीन चीज़ें जो आपको जाननी है, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछते हैं, वो पहला ये कि व्हेन द एक्टिविटी और व्हेन द प्रोसेस ऑफ टोटिपोटेंसी टेक्स प्लेस इन द लैब और इन द टेस्ट ट्यूब देन दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रो प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर. ठीक है, जब हम लोग टोटिपोटेंसी की क्रिया को लैब में बहुत सारे हॉर्मोन्स के प्रेजेंस में उसको अंजाम देते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपागेशन करते हैं. और इस प्रक्रिया में होता क्या है कि प्लांट के टिप पोर्शन से एपिकल मेरिस्टेम से, हम लोग नाइन्थ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट के अपर सेगमेंट को एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है जो कि रिपीटेड ग्रोइंग रीजन होता है प्लांट का. तो वहाँ से हम लोग टिश्यू को हल्का सा कट करते हैं, छोटा सा पोर्शन लेते हैं टिश्यू का और उसको डिफरेंट हार्मोनल मीडियम में डालते हैं. हार्मोनल मीडियम कौन कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, हाँ एट्सेट्रा, हार्मोन के अंदर उसको डालकर हम लोग क्या करते हैं, उस छोटे से टिश्यू के पोर्शन से होल प्लांट को हम लोग जर्मिनेट करते हैं. दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि एक छोटा सा टिश्यू के पोर्शन से हम लोग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं इन द स्मॉल प्लेस एंड इन द लिमिटेड टाइम. ओके, सो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज और वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर आवर बिजनेस पर्पज. तो जो लोग नर्सरी चलाते हैं, जो लोग प्लांट के खरीद बिक्री का काम करते हैं, वो लोग एक छोटे से स्मॉल जगह पर एक हार्मोनल मीडियम लेकर छोटे से एक टिश्यू से बहुत सारे प्लांट को प्रोपागेट करवा सकते हैं, विच इज़ नोन एज माइक्रो प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर. ओके, बाय द एक्टिविटी ऑफ टोटिपोटेंसी ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो इस बार 2019 के किसी एक पोर्शन में, एम्स में पूछा गया है कि बाय विच टेक्निक वी कैन ओरिजिनेट द वायरस फ्री प्लांट. ओके, और डिजीज फ्री प्लांट, तो किस टेक्निक के द्वारा हम लोग वायरस फ्री या डिजीज फ्री प्लांट को प्रोपागेट कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं. दैट द आंसर इज माइक्रो प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर. व्हाई इन माइक्रो प्रोपागेशन द वायरस फ्री और डिजीज फ्री प्लांट कैन बी ओरिजिनेटेड, बिकॉज द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट इज रिपीटेड ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट. At that portion, the tissues are divided rapidly, so any virus or fungal or bacterial infection cannot take place at that portion. So when we use the apical meristem
माइक्रो प्रोपागेशन देन द प्लांट विच कैन बी जर्मिनेट बाय दिस टेक्निक विल बी ऑलवेज वायरल फ्री, वायरस फ्री, बैक्टीरियल फ्री एंड फंगल फ्री प्लांट। तो ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसके द्वारा हम वायरस, फंगल, बैक्टीरियल यानी डिजीज फ्री प्लांट को जन्म दे सकते हैं बहुत कम समय में और बहुत लिमिटेड स्पेस में। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको जाननी जरूरी थी क्योंकि जब भी आप मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन को करने जाओगे तो आपको ये सारी बातें मिलेंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे सेल की दुनिया में आगे हम लोग चले। तो बिल्कुल इमेजिन हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि मैं आपको सेल की दुनिया में ले जा रही हूँ और आप के की मैं गाइड हूँ और आपको जो है मेरे साथ सेल की दुनिया में घूमना है। तो बहुत ही अच्छा और मजा आएगा आपको और बोरियत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे शेप और साइज के सेल होते हैं। देखिए, एक तो हम लोग एग्जाम्पल जरूर देते हैं सभी लोग कि देखो जिस तरीके से मकान में ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स यूज होते हैं, बहुत सारे ब्रिक्स से मिलकर मकान बने होते हैं, ठीक जस्ट लाइक दैट में हमारा बॉडी भी जो है वो सेल जैसे यूनिट से मिलकर बना होता है। बट ऑलवेज दिस एग्जांपल इज नॉट फिट। क्यों? क्योंकि मकान में जो ईंटें लगती है, मकान में जो ब्रिक्स यूज होते हैं वो जो है ऑलमोस्ट सारे ब्रिक्स का साइज एक होता है ना। दीवार की ईंटें, छत की ईंटें, फ्लोर की ईंटें, अगर ईंटों के साइज में वेरिएशन आ जाए तो क्या होगा, एक समान दीवारें बन पाएंगी क्या? नहीं बन पाएंगी। लेकिन हमारे बॉडी के केस में कुछ डिफरेंस होता है, जो चूंकि हर एक ऑर्गेन में सेल के शेप एंड साइज जो है वो डिफर करते हैं। जैसे लीवर सेल के शेप एंड साइज अलग होते हैं, किडनी के शेप एंड साइज अलग होते हैं, नर्व सेल के शेप एंड साइज अलग होते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग्स एंड द सेल ऑफ द बॉडी। ओके, तो क्या डिफरेंस होते हैं, कौन कौन से शेप एंड साइज के सेल होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो द शेप ऑफ द सेल मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमिनल, क्यूबॉइडल और थ्रेड लाइक। ठीक है, बहुत सारे साइज के और शेप के सेल मिलते हैं, वो डिस्क के टाइप के जैसे हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलम के जैसे लंबे लंबे हो सकते हैं और पतले पतले थ्रेड लाइक हो सकते हैं। तो सभी के शेप एंड साइज उनके फंक्शन पर डिपेंड करते हैं कि वो जैसा फंक्शन करेगा उस टाइप का उसका शेप होगा। तो द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, फॉर द बाय द फंक्शन देयर शेप कैन बी डिफाइंड। ओके, तो द सेल विच आर सेक्रेटरी इन फंक्शन मे बी कॉल्यूमिनल और क्यूबॉइडल। ऐसे सेल जिनको सिक्रीशन का काम करना है, जिनको कोई चीज सिक्रीट करना है, ऐसे सेल का शेप और साइज हमेशा कॉल्यूमिनल होता है और क्यूबॉइडल होता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल को लोग क्या करते हैं, एक ढर्रे से पढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ ऐसा कि सेल को आप पॉइंट वाइज और उसको छोटे छोटे सेगमेंट में बांट कर अगर पढ़ोगे तो मल्टीपल चॉइस भी आपका बहुत अच्छे से और आराम से बनेगा और आपको समझने में भी आसानी होगी, बोरियत भी नहीं होगी। इसीलिए मैंने सभी पूरे सेल को जो है पार्ट वाइज छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपके लिए खासकर तैयार किया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लगाओगे। तो कौन से सेल से कॉल्यूमिनल और क्यूबॉइडल होंगे, वैसे सेल जिनका काम होगा सिक्रीशन करना। तो द सेल्स विच आर सिक्रेटरी इन नेचर आर मे बी कॉल्यूमिनल और क्यूबॉइडल। अब वैसे सेल जो प्रोटेक्टिंग नेचर के होंगे, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि ऐसे सेल जो हमारे बॉडी के ऑर्गेन को प्रोटेक्ट करेंगे, दोस्तों द सेल्स विच आर प्रोटेक्टिंग इन फंक्शन आर मे बी डिस्क शेप और स्क्वायरस। स्क्वायरस होता है जो आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो ऐसे सेल जो कि प्रोटेक्टिंग नेचर के होंगे दोज आर ऑलवेज डिस्क शेप और स्क्वायरस। अब ऐसे सेल जिसको ट्रांसपोर्ट करने का काम मिला हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो द सेल्स विच हैव टू ट्रांसपोर्ट हैव ऑलवेज माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो जिनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करना है, उनको बीट करवाते हुए ये माइक्रोविलाई जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जो भी ट्रांसपोर्टिंग नेचर ऑफ सेल्स होंगे, दे हैव माइक्रोविलाई फॉर द ट्रांसपोर्टेशन
by their beating action. Okay, next है the conducting cells. Conduction करना, ठीक है, किसी भी stimuli का conduction करना from one cell to another. So the cells which are conducting in nature are always nerve cell. ठीक है, हमको पता है कि हमारी बॉडी में कंडक्शन करने का काम नर्व सेल्स को सौंपा गया है. तो द कंडक्टिंग सेल्स दैट इज द नर्व सेल्स आर ऑलवेज थ्रेड लाइक. ओके, क्लियर. तो इस तरीके से डिफरेंट शेप एंड साइज के सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, जिनको कि डिफरेंट फंक्शंस करना होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप एंड साइज. ओके, नाउ वी We'll discuss about the normal cell and cancer cell. बहुत इंटरेस्टिंग बात है. हम लोग सुनते हैं कि भाई उनको कैंसर हो गया है, ये हो गया, हो गया. अभी फिलहाल जो है बहुत सारे हीरो हीरोइंस को हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कैंसर हो रखा है, किसी को ऐसा कैंसर है, किसी को वैसा कैंसर है, हम लोग जानते हैं. तो हमारे जहन में बात उठती है कि भाई ये कैंसर होता क्या है, आखिर ऐसी क्या बात होती है कि वो नॉर्मल सेल से डिफर कर जाते हैं. तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल. तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी. बायोलॉजी जब पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन के बारे में, हमारे बॉडी के बारे में जान रहे हैं, तो हमको सारी बातें जाननी है. कि कोई अगर पूछ दे कि अच्छा बेटा बताओ कि ये कैंसरस सेल होता क्या है, तो आप उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करोगे. तो जब आप पढ़ोगे तो आपको दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है कि व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द नॉर्मल सेल व्हेन इट बिकम कन्वर्टेड इन टू कैंसरस सेल. कब ये कैंसरस सेल में बदल जाते हैं. तभी फिलहाल कुछ दिन पहले इरफान खान जी की मौत हुई, जिनकी भी मौत कैंसर के कारण होती है. He was one of the most favorite hero. ठीक है, मेरे लिए बहुत ही favorite hero मेरे रहे, और मुझे बहुत ही दुख हुआ जब उनके मरने की खबर आई. तो मैं फील करती हूँ कि अमिताभ बच्चन के लेवल के वो एक्टर थे, और उनके रोल को, हर एक रोल को बहुत जीवंत कर देते थे. तो क्यों, ऐसा क्या होता है कैंसरस सेल में. अभी सोनाली बेंद्रे के बारे में भी हम लोग सुन चुके हैं, जो अभी ठीक हो चुकी है फिलहाल. तो कैंसरस सेल में ऐसी क्या बातें होती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो जैसे सबसे पहले हम लोग नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा बात समझ में आएगी. तो हमारा जो नॉर्मल सेल होता है, देट आर ऑलवेज स्मॉल, यूनिफॉर्मली शेप्ड न्यूक्लियाई, रिलेटिवली लार्ज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम. हमारा जो सेल होता है नॉर्मल सेल, वो हमेशा छोटा होता है. इसका जो न्यूक्लियाई का शेप होता है वो यूनिफॉर्म होता है, जैसा शेप होना चाहिए वैसा होता है. और इसका जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होता है वो हमेशा न्यूक्लियोप्लाज्म के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, रिलेटिवली लार्ज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम. ये तो ये नॉर्मल सेल की कहानी. अब अगर जो सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट करेंगे उस सेल में क्या होगा, ठीक है, तो उस सेल में क्या होगा, दे बिकम लार्ज, स्मॉल से वो बड़े होने लगते हैं. दे हैव वेरिएबल शेप्ड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का शेप भी जो है वो वेरिएबल होने लगता है. और साइटोप्लाज्मिक जो साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है, वो कम होने लगता है न्यूक्लियोप्लाज्म की तुलना में. ठीक है, तो डिफरेंस आप समझ गए कि नॉर्मल सेल में क्या होगा, छोटा होगा नॉर्मल सेल. नॉर्मल सेल का जो न्यूक्लियाई होगा वो डिफरेंट शेप और साइज का होगा. साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म से, और जस्ट इसका उल्टा होगा कैंसरस सेल में. जैसे आपको पता है कि अगर किसी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, तो अगर गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए तो ऐसी गाड़ी का क्या होगा, कहीं भी जाकर ठोक देगा वो गाड़ी, ठोकेगा ना. तो जस्ट लाइक दैट कैंसरस सेल इज द ब्रेक फेल वाली गाड़ी. ठीक है, ये क्या है, ब्रेक फेल वाली गाड़ी है. इसका न्यूक्लियस जो है यही गड़बड़ हो जाता है. तो न्यूक्लियस इज द ड्राइवर ऑफ आवर सेल. ठीक है, न्यूक्लियस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर सेल, न्यूक्लियस इज द गाइड ऑफ आवर सेल. तो जब न्यूक्लियस के शेप और साइज में गड़बड़ी आ जाएगी तो सेल भी सारा का सारा काम गड़बड़ करने लगेगा. तो फर्स्ट डिफरेंस इज दिस. नेक्स्ट डिफरेंस इज दूसरा जो है, कन्फॉर्मिटी इन द सेल साइज एंड शेप, सेल अरेंज्ड इन डिस्क्रीट टिश्यू. ठीक है, हम लोगों को पता है कि
फंक्शन को करता है वो आपस में अरेंज होकर टिश्यू बनाता है, वी ऑल नो अबाउट दिस, ठीक है, कि सेम फंक्शन सेम शेप एंड साइज ऑफ द सेल कोऑर्डिनेट और कंबाइन टू फॉर्म द स्पेशल टिश्यू, ठीक है। तो एक डेफिनेट शेप साइज और फंक्शन को करने वाले सेल के समूह को हम लोग टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सेल में ये कहानी होगी, लेकिन जो कैंसर सेल में है उसमें क्या कहानी होगी? तो द वेरिएशन इन सेल शेप एंड साइज डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जब न्यूक्लियस में ही गड़बड़ी आ जाएगी तो उसका शेप भी गड़बड़ हो जाएगा, साइज भी गड़बड़ हो जाएगा, और जो एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है सेल का वो भी क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीसरा जो पॉइंट है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वो क्या है? मेफोसिस डिफरेंशिएटेड सेल स्ट्रक्चर नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ सेल सरफेस मार्कर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है ये, इस पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से समझिए। जैसे अगर डॉक्टर को अंदेशा होता है, शक होता है कि इस पेशेंट को कैंसर हो सकता है, ठीक है, तो उसकी बायोप्सी करवाई जाती है। बायोप्सी क्या होता है बच्चों? बेटे तो देखो, बायोप्सी होता है अगर जिस ऑर्गेन में कैंसर होने का हमें अंदेशा रहता है, शक होता है, शुबा होता है कि भाई इस ऑर्गेन में इस पेशेंट को कैंसर हो सकता है, तो उसकी जांच कैसे करते हैं? बाय द बायोप्सी। तो वहाँ से कट ऑफ स्किन लिया जाता है, टिश्यू कट किया जाता है, और टिश्यू कट करके उसका हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। उस टेस्ट को कहा जाता है हिस्टोफिजियोलॉजिकल टेस्ट, ओके। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू। तो डॉक्टर क्या करते हैं, पर्टिकुलर उस पोर्शन के सेल को, टिश्यू को वो देखते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल सेल होते हैं स्टूडेंट्स, तो नॉर्मल सेल में क्या होता है, एक डिफरेंशिएट सेल स्ट्रक्चर, जो एक सेल का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन होना चाहिए वो बाकायदा बिल्कुल सही रहता है, और सेल के बायोकेमिकल जो मार्कर्स होते हैं, सेल में जो बायोकेमिकल थिंग्स होते हैं उनको मार्कर कहा जाता है, सेल मार्कर कहा जाता है, वो भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट होते हैं। लेकिन अगर वो कैंसर सेल में कन्वर्ट कर गए होंगे तो ऐसे सेल की बायोप्सी रिपोर्ट क्या आती है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो डॉक्टर उसका हिस्टोफिजियोलॉजिकल टेस्ट करता है, तो क्या देखता है कि वो जो नॉर्मल सेल जैसा करते हैं इनमें उसकी कहानी उलट होती है। क्या होता है? लॉस ऑफ नॉर्मल स्पेशलाइज्ड फीचर, जो जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं सेल के वही बिल्कुल लॉस हो जाते हैं, एंड एलिवेटेड एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन सेल मार्कर्स, ठीक है। जो सेल मार्कर्स होते हैं जो कि बायोकेमिकल थिंग्स होते हैं सेल के, उनमें एलिवेशन, इजाफा, बढ़ावा, ठीक है, बढ़ जाते हैं वो, जिसको देखते हुए डॉक्टर इस बात पर, इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये जो पेशेंट है उसकी सेल जो है दैट इज बिकम कन्वर्टेड इनटू कैंसरस सेल, ठीक है। तो और तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट, लोअर लेवल्स ऑफ डिवाइडिंग सेल। हमारा जो सेल है उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है कि भाई ऐसे इतना में डिवाइड करना है, इतना ही डिवाइड करना है। हर सेल का एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगा हुआ है, उस हिसाब से वो डिवाइड करता है। लेकिन कैंसरस सेल क्या होता है, कैंसरस सेल का चूंकि ड्राइवर ही, ब्रेक ही फेल हो चुका है, तो वो क्या होगा, दे आर रिपीटेडली डिवाइडिंग सेल, लार्ज नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन द कैंसरस सेल, ठीक है। तो क्या करेगी, ब्रेक फेल वाली गाड़ी इतना ज़्यादा वो डिवाइड करने लगती है कि बगल वाले सेल, फिर तीसरे सेल, फिर चौथे सेल करते हुए सारे सेल्स में वो पूरी बॉडी में वो फैलने की कोशिश करती है। दैट इज द सिचुएशन ऑफ कैंसर, ठीक है। मजा आया ना, इंटरेस्टिंग लगा ना? तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल। तो सिर्फ सेल को पढ़ लेने से नहीं होगा ना भाई, शुरुआत से पढ़ते आए, सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब हम 11th में आए हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो कुछ यूनिक सी बातें भी जाननी चाहिए। तो भाई जब आप हमारे पास पढ़ोगे तो आपको सारी यूनिक बात
जानने को मिलेगी, बशर्ते कि आप पढ़ो। जब आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की है तो उसका फायदा आप उठाओ, और प्लीज कमेंट करो ताकि हमें लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो। एक भी बच्चे का 11th में कमेंट नहीं आता, ये बहुत ही दुखद बात है। 10th के बच्चों के कमेंट्स आते हैं, 12th के बच्चों के कमेंट्स आते हैं, 9th के बच्चों के कमेंट्स आते हैं, लेकिन लगता है 11th के बच्चे को लगता है, खासकर मैंने ऐसा देखा है कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 11th वो हमेशा सोचते हैं कि अरे 11th कौन पढ़ता है, 11th में मस्ती करने का टाइम है और 12th में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों ये अच्छे से जान लो, अगर आपका कुछ बनने का सपना है तो 11th इज द बेसिक पोर्शन ऑफ योर लाइफ, बेसिक पोर्शन ऑफ योर एजुकेशनल सिस्टम। अगर आप 11th को अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आपका 12th भी अच्छे से होगा, और एक बार अगर कुछ बन जाओगे, अगर डॉक्टर बन गए तो फिर आपका पूरा का पूरा जीवन जो है बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इस चीज को समझते हुए हमें पढ़ना है, 11th को हमें मजाक में नहीं लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे, और एक अच्छी चीज आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अब हम लोग जानेंगे कि हमारे बॉडी में जो RBC होती है, ठीक है, नॉर्मल RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिसको कहते हैं, तो RBC के अंदर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि RBC, WBC, इनके अंदर भी जो है बहुत सारे शेप और साइज के सेल पाए जाते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं WBC के बारे में, साइनोफिल होते हैं, बेसोफिल होते हैं, पढ़े हैं ना, मोनोसाइट, जिनको बहुत सारे सेल होते हैं जिनके अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं। तो नॉर्मल RBC का के भी शेप और साइज में अगर डिफरेंस आ जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जब सेल के बारे में जान रहे हैं तो सेल की बनावट में अगर किसी तरीके का डिफरेंस आ जाए तो कौन सी बीमारी होगी, ये हमें जानना जरूरी है। तो नॉर्मल शेप और साइज, नॉर्मल RBC जो है उसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर, ओके। तो अब अगर 7 माइक्रोमीटर से हमारे RBC का साइज बड़ा हो जाए या 7 माइक्रोमीटर से हमारे RBC का साइज छोटा हो जाए तो डॉक्टर उसको देखते हुए ये जान लेंगे कि हमारे अंदर कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे एबनॉर्मल RBC मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल एक्टिविटी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो नॉर्मल एबनॉर्मल अगर RBC का स्ट्रक्चर हो जाएगा तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले हम लोग माइक्रो की बात करेंगे, यानी कि अगर इफ द साइज ऑफ RBC बिकम लोअर देन 7 माइक्रोमीटर, अगर 7 माइक्रोमीटर से कम का हो जाए RBC का साइज तो क्या होगा, तो ये होगा माइक्रोसिस्टिक RBC उसको कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसिस्टिक RBC। तो ये किस किस बीमारियों से एसोसिएटेड हो सकता है, तो दे मे बी एसोसिएटेड विथ, किस लिए हो सकता है, तो दे मे बी एसोसिएटेड विथ पाइरीडॉक्सिन डेफिशिएंसी। अगर मेरे हमारे बॉडी में पाइरीडॉक्सिन की मात्रा कम हो जाए, पाइरीडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो इस टाइप का सिचुएशन हमारे बॉडी में डेवलप हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया के बारे में आप लोग जानते हैं, दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, जिसमें ब्लड बन ही नहीं पाता और बार बार पेशेंट को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। एंड एनीमिया, ठीक है, तो कौन सा एनीमिया, व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया, एनीमिया दैट इज आयरन बेस्ड, आयरन डेफिशिएंसी बेस्ड एनीमिया। फिर से मैं बताती हूँ, माइक्रोसिस्टिक RBC मींस द RBC व्हिच द शेप ऑफ RBC, व्हेन द शेप ऑफ RBC बिकम लोअर देन 7 माइक्रोमीटर, दिस कंडीशन इज नोन एज माइक्रोसिस्टिक RBC। This is may be associated with pyridoxine deficiency, thalassemia, and the anemia, which is mainly iron deficient anemia. Okay? तो ये सारी चीजें जब डॉक्टर जब देखते हैं पेशेंट को, बोलते हैं कि आप ब्लड का टेस्ट कराओ, और उसके उनके पास जो रिपोर्ट जाता है उनको देखते हुए डॉक्टर एनीमिया के बारे में पता लगाते हैं कि पेशेंट में किस टाइप का एनीमिया हो सकता है, फिर उसका इलाज होता है। ठीक है, सिर्फ एनीमिक बोलने से नहीं होगा, एनीमिया भी बहुत सारे कंडीशन के होते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोसिस्टिक RBC, यानी व्हेन द साइज ऑफ RBC इंक्रीजेस मोर देन 7 माइक्रोमीटर।
जब आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर से ज्यादा होगा तो दैट इज मैक्रोसिस्टिक आरबीसी। ओके, तो मैक्रोसिस्टिक आरबीसी कब होगी? व्हेन द विटामिन बी12 डेफिशिएंसी अकर इन आवर बॉडी और फोलेट डेफिशिएंसी अकर इन आवर बॉडी एंड इट ऑलवेज रेगुलेट द लीवर डिसफंक्शनिंग और लीवर डिजीज। ओके, तो दो तरीके का एनीमिया हमने अभी आप डिस्कस किया, एक एनीमिया जो आयरन डेफिशिएंट था और दूसरा जो विटामिन बी12 और फोलिएट डेफिशिएंट था। तो विटामिन बी12 या फोलिएट डेफिशिएंट एनीमिया कब होगा? जब आरबीसी बिकम मैक्रोसिस्टिक एंड व्हेन द आयरन डेफिशिएंट एनीमिया अकर व्हेन द आरबीसी बिकम माइक्रोसिस्टिक। ओके, तो दीज आर द टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ द आरबीसी। तो बहुत सारे लड़के स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि मैम 11th का भी लेक्चर दो, तो 11th का फिर मैं बता दूं क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने किसी तरीके का क्लास का मेंशन नहीं किया है वीडियो डालते वक्त। इसका कारण ये है कि सेल के लेक्चर को सुनकर 9th के बच्चे भी फायदा उठा सकते हैं और 11th के बच्चे भी, इसीलिए मैंने क्लास को मेंशन नहीं किया ताकि आप 9th के बच्चे ये ना सोचे अरे ये तो 11th का लेक्चर इसे नहीं सुनना है, या 11th के बच्चे 9th को समझ कर ये ना सुने। तो ये जो सेल का लेक्चर है ये दोनों के लिए कंबाइन मैंने डाला है, ठीक है। तो इसीलिए 11th का सेल मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, उस दिवस तक इसको आगे पहुँचाने के बाद फिर से मैंने जो डाइवर्सिटी को रोक रखा है हम लोग डाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका चूंकि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, लग रहा है जैसे कि आप लोग भी हाइबरनेशन में चले गए हैं लॉकडाउन में, तो इस हाइबरनेशन को तोड़ने के लिए कि आप भी लॉकडाउन में लॉक नहीं हो गए हैं, मेरा एक सवाल, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दीज सेल्स, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दीज सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दीज सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, डैश देकर सेल्स का नाम लिखिए। पहला है न्यूरॉन, फिर कॉमा देकर लिखिए नेफ्रॉन, फिर कॉमा देकर लिखिए हिपेटोसाइट और फिर कॉमा देकर लिखिए बीटा सेल। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, हिपेटोसाइट एंड बीटा सेल्स, इन चारों के लोकेशन आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज इन आवर बॉडी एंड व्हाट आर द बेसिक फैक्ट्स ऑफ दिस शेप एंड साइज ऑफ द सेल, व्हाट आर द कैंसरस सेल, व्हाट आर द नॉर्मल सेल्स, व्हाट आर द शेप एंड साइज ऑफ द आरबीसीज एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट इन आवर बॉडी, वी ऑल डिस्कस टूडे, ठीक है। अब अगले दिन हम लोग सेल की इकाई जो है जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए एक आप लोग प्रॉमिस करो कि सभी बच्चे पढ़ोगे और मेरे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दोगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।